नमस्कार दोस्तों, मार्केट में आ गया है वीवो का T3 नई सीरीज में। वीवो ने टी सीरीज लॉन्च करी थी, तब से ही कुछ अलग बनाता है। टी सीरीज को ज्यादातर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए बनाया जाता है, मगर ऑफलाइन में भी एक्सक्लूसिव स्टोर्स पे ये हमेशा मिल जाता है। T3 में क्या आया है, T3 क्यों ऐसा पॉपुलर होता है, या टी सीरीज में क्या खूबियां हैं, तो इस फोन को अनबॉक्सिंग करके आपको इसकी पूरी डिटेल बताते हैं और क्या क्या कलर्स आए हैं, क्या क्या खूबियां हैं, तो देखते हैं इनमें क्या है। और खूब सारा माल आया है, आपको बस पहुंचना है नजदीक किसी भी वीवो आउटलेट पे और T3 के बारे में और भी पूछना है, और अभी हम बताते हैं इसमें क्या क्या खूबियां हैं। नमस्कार दोस्तों, बॉक्स पर अपन देखेंगे तो मीडियाटेक डायमेंसिटी 7200 5G प्लेटफॉर्म लिखा हुआ है। सोनी OIS एंटी शैक कैमरा डाला इन्होंने 120Hz की रिफ्रेश रेट के साथ में, हाई ब्राइटनेस के साथ अमोलेड डिस्प्ले डाली है और ड्यूल स्टीरियो स्पीकर का सिस्टम दिया है। ये बॉक्स पर हाईलाइट दिया है और ऊपर ही ऊपर लिख रखा है इन्होंने भारत में निर्मित, ये थोड़ी अलग सी बात होती है। बॉक्स खोलते हैं, कॉस्मिक ब्लू कलर खोला है मैंने, दो कलर इन्होंने डाले हैं, एक तो कॉस्मिक ब्लू हो गया, एक मेरे पास आ गया क्रिस्टल फ्लैक। नाम बड़े अजीब से लेते हैं, कलर दोनों आपको दिखा देता हूं पहले तो, और कलर को भी साइड में रखते हैं। पहले बॉक्स में क्या खासियतें हैं, बॉक्स में दोस्तों डाला इन्होंने कवर आ गया, 44 वाट का चार्जर आ गया आपका, टाइप USB to Type-C केबल आ गई और सिम एग्जिट टूल आ गया जो सिम निकालने काम आता है। बस बॉक्स में यही है, ईयरफोन वगैरह सारे पहले ही बंद हो गए थे। दोस्तों अगर बैक साइड की बात करें तो पीछे प्लास्टिक बैग दिया है, दो कैमरे दिए, एक फ्लिकर सेंसर दिया है, एक LED फ्लैश दिया है, और राइट साइड में देखेंगे तो पावर ऑन ऑफ बटन और वॉल्यूम की दी है, लेफ्ट साइड बिल्कुल खाली रखी इन्होंने। और डाउन साइड में अपन देखेंगे तो सिम ट्रे दिए जिसमें एक सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड या फिर दोनों सिम कार्ड लगा सकते हैं। नीचे पास में एक माइक है, टाइप सी का चार्जर है, स्पीकर ड्यूल स्पीकर स्टीरियो स्पीकर दिया है, नीचे स्पीकर ग्लीन है। ऊपर की तरफ देखेंगे तो सेकेंडरी माइक दिया है, बस यही इनके ओवरऑल बॉडी लुक यही है। फ्रंट साइड में अपन देख ही रहे हैं तो इसको ऑन करके देखें फ्रंट साइड को, तो क्या बात है, डिस्प्ले बड़ी प्यारी सी दी है और ये डिस्प्ले में पंच होल करके कैमरा डाला है और बड़ा प्यारा सा लुक है इसका। अब बताते हैं इसके बारे में ओवरऑल क्या क्या खूबियां हैं। दोस्तों अगर डिस्प्ले की बात करें तो 6.67 इंच का अमोलेड डिस्प्ले दिया है 120Hz की रिफ्रेश रेट के साथ, और मेन खास बात है 1800 nits पीक ब्राइटनेस है, मतलब इस सेगमेंट में सबसे प्यारी ब्राइटनेस के साथ ये फोन आया है। दोस्तों कैमरे की बात करें तो सोनी IMX882 कैमरा मेन कैमरा है, विथ OIS है 50MP का, सेकेंडरी कैमरा है 2MP का डेप्थ कैमरा, और एक ये फ्लिकर डाला है। फोटोग्राफी में आप 4K वीडियो तक रिकॉर्ड कर सकते हैं, कैमरा क्लियरिटी सोनी और OIS के साथ में कैमरा है तो अपने आप में यूनिक होगी। फ्रंट कैमरे की अगर अपन बात करें तो फ्रंट सेल्फी कैमरा इन्होंने दिया है 16MP का विथ नॉर्मल कैमरा है, वाइड एंगल में है, पर हाँ ठीक है 4K वीडियो तो रिकॉर्ड नहीं कर सकते, मगर फ्रंट सेटिस्फैक्शन के साथ में है। बैटरी की बात करें तो 5000mAh बैटरी है, चार्जिंग आएगी इसके अंदर 44 वोल्ट की वायर्ड, मतलब आप वायरलेस और रिवर्स चार्जिंग वगैरह सपोर्ट नहीं दे सकते। इन्हीं नॉर्मल खूबियों के साथ में अच्छा सा फोन आया है जो 256GB और 128GB दोनों आपको दे रहा है, और इसकी कीमत की अगर अपन बात करें तो 21,000 रुपये का 8/128 वेरियंट और 22,000 रुपये का 8/256 वेरियंट दिया है। दोस्तों प्लेटफॉर्म की बात करें तो ये आएगा फन टच OS 14 पे और एंड्रॉइड 14 के साथ में, और प्रोसेसर की बात करें तो इसमें आएगा 2.8GHz का Dimensity 7200 ऑक्टाकोर प्रोसेसर जो 4 नैनोमीटर पे चलता है। मेमोरी की बात करें तो 8GB+8GB में रैम बढ़ा सकते हैं, और 128 और 256 के दो वेरिएंट में मिलेगा, तो रैम हो गई 8GB 256, 8GB 128 और 8GB रैम आप इसकी बढ़ा भी सकते हैं। दोस्तों फोन को IP54 रेटिंग से दिया गया है जिसमें आपके धूल और हल्के पानी के छींटों से बचाव हो जाता है, और गलती से कभी पानी में गिर जाए झट से निकाल ले तो भी हो सकता है बच जाए, मगर हम ये नहीं कहेंगे कि पानी के अंदर डालना है। काफी हद तक अगर अपन लुक देखेंगे तो वीवो के 200e के जैसा ही है, मगर 200e में 256 वेरिएंट नहीं डाला और इसका थोड़ा सा लुक प्रीमियम दिया है, और T3 को थोड़ा सा लुक डिफरेंट करके 256 डाल दिया, थोड़ा प्रोसेसर बड़ा कर दिया, मतलब कुछ चीजें ऐसी तैयारी करके रखते हैं। जैसे आप इसको देखेंगे ना तो इसका लुक बड़ा शानदार लग रहा है, इसको देखेंगे तो इसके मुकाबले थोड़ा फीका दिख रहा है, मगर कुछ चीजें मतलब मिला के कराया तो 20,000-21,000 का 200e आ रहा था, 21,000-22,000 में ये डाल दिया T3, तो अब सिमिलर आप कंफ्यूज भी रहेंगे कि ये लेऊं कि ये लेऊं, मतलब ये देखेंगे तो ज्यादा सुंदर लगेगा दिखने में, और ये देखेंगे तो कहेंगे यार 256 इसमें आ रहा है, थोड़ा प्रोसेसर अलग सा लग रहा है, बाकी सेम कंडीशन है कैमरे वगैरह सब कुछ देखेंगे तो। अब आपको चूज करना है कि T3 लें कि 200e लें, दोनों अपनी अपनी जगह बेहतरीन से फोन यूज मतलब डाले हैं कंपनी ने, और वीवो कुछ ना कुछ अलग सा करता रहता है। अब ये आ गया है मार्केट में, इसके अंदर खूबियां देखें, इसमें ऑफर्स भी आएंगे जिसमें आपका बजाज फाइनेंस का क्रेडिट कार्ड का इस तरह का ऑफर और भी मिलेगा, तो इन सब चीजों के साथ में अगर मार्केट में आए देखे कहीं भी वीवो का T3 आपको कैसा लगता है कमेंट में बताएं कि क्या लग रहा है क्या नहीं लग रहा है। पर नई चीज आई है 20-22,000 रुपए में, ये जो डिस्प्ले क्वालिटी दी है इन्होंने अमोलेड डिस्प्ले में इतनी प्यारी ब्राइटनेस के साथ में, वो थोड़ी अपने आप में है, फिंगरप्रिंट यहाँ पे डिस्प्ले के अंदर ही दिया है तो वो भी एक अच्छी सी चीज लगती है, प्रीमियम फील आता है जब फिंगरप्रिंट डिस्प्ले के अंदर होता है, तो अच्छी डिस्प्ले के अंदर ही यूज कर सकते हैं, बाकी तो कर नहीं सकते, बाइक की तो यहाँ साइड में फिंगरप्रिंट आता है। तो दोस्तों देखें एक बार और लाइक और शेयर कर दीजिए, हम यूट्यूब में कुछ ना कुछ ऑफर जल्दी लाने वाले हैं, और
आप इंस्टाग्राम पे तो प्यार दे ही रहे हैं, यूट्यूब पे भी थोड़ा सा प्यार बढ़ा दीजिए। जल्दी कुछ ना कुछ बदलाव होते जा रहे हैं। खुशी किसान गोदाम मोबाइल आपको मिलेगी राजस्थान में अजमेर जिले के अंदर, विजयनगर शहर से हैं हम। कभी आए मिलने के लिए, हम खुशियां बहुत देते हैं, गारंटी है जो हमसे मिलता है उनके घर खुशियां जरूर पहुंचती है। धन्यवाद।